हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकुल शर्मा, आप देख रहे हैं मैं चैनल स्टार। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर चर्चाओं में चल रहे हैं। पहले उन्होंने 4 करोड़ रुपए की कार खरीदी थी, जिसको लेके सोशल मीडिया में वो काफ़ी चर्चाओं में रहे। उसके बाद खबरें आई कि वो करण जौहर की एक क्रिकेट जॉनर की फिल्म में काम करने वाले हैं। देखो, शगुन शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टर शगुन शर्मा। और जिसके बाद एक और खबर आई कि कार्तिक आर्यन की जो फिल्म है धमाका, उसको नेटफ्लिक्स ने अब तक के सबसे महंगे दाम में खरीदा है, यानी कि OTT पे बिकने वाली सबसे महंगी फिल्म बनी धमाका। और खबरें थी कि कार्तिक की इस फिल्म को नेटफ्लिक्स ने 135 करोड़ में खरीदा है। ये कल की ही बात है, और आज जो खबर निकल के आई है कार्तिक के बारे में, वो ये कि करण जौहर की प्रोडक्शन हाउस की एक फिल्म कर रहे थे कार्तिक आर्यन, जिस फिल्म का नाम था दोस्ताना 2, जो कि 2008 में आई फिल्म दोस्ताना का सीक्वल है, जिसमें आपको नज़र आए थे जॉन अब्राहम, प्रियंका चोपड़ा, अभिषेक बच्चन और किरण खेर। इसी फिल्म का दूसरा पार्ट बना रहे थे कार्तिक आर्यन धर्मा प्रोडक्शन के साथ मिलके, और 2019 में इस फिल्म का काम भी शुरू हो गया था। और इस फिल्म का गोवा में पहला शेड्यूल कंप्लीट कर लिया था पिछले साल, और इस साल भी इस फिल्म का काम शुरू होने वाला था, सेकेंड शेड्यूल शुरू ही होने वाला था कुछ दिनों में। उसी बीच ये खबर आने लगी कि कार्तिक आर्यन को इस फिल्म से करण जौहर ने बाहर कर दिया है। जी हाँ, कार्तिक आर्यन को इस फिल्म से करण जौहर ने आउट कर दिया है, और अब कोई नया एक्टर ही करण जौहर तलाश कर रहे हैं इस फिल्म में जानवी कपूर के अपोजिट लीड रोल के लिए। अब इनको बाहर क्यों किया गया है इस फिल्म से, यानी कि दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को क्यों बाहर किया गया है, इसके बारे में कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, जिसमें कुछ अलग अलग बातें बताई गई हैं। चलिए मैं आपको वो बातें बता देता हूँ। पहला जो कारण बताया जा रहा है वो ये कि कार्तिक आर्यन ने 2019 में इस फिल्म का काम शुरू किया था, जो कि गोवा में शूट हुआ था। इसका पहला शेड्यूल 2019 नवंबर या दिसंबर में शुरू किया गया था जानवी कपूर के साथ मिलके, जिसके बाद ये मुंबई आए थे। मुंबई में आने के बाद जानवी कपूर के साथ इनकी कुछ अनबन हुई, और कार्तिक ने ये ठान लिया कि मैं जानवी कपूर के साथ काम नहीं करूंगा, और ये बात करण जौहर को पता लग गई। करण जौहर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि कार्तिक और जानवी कपूर के बीच लड़ाई झगड़े की खबर आ रही है। यहाँ तक ठीक था, लेकिन जो दूसरी जो वजह बताई जा रही है वो ये कि बाद में चल के कार्तिक आर्यन करण जौहर से ही उलझ पड़े, और उलझने का कारण था इस फिल्म की स्क्रिप्ट। जब पहला शेड्यूल कंप्लीट करके मुंबई आए कार्तिक आर्यन, तो करण जौहर को इन्होंने फ़ोन किया, यानी कि कार्तिक आर्यन ने, और करण जौहर को इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट में मैं बदलाव चाहता हूँ, मेरे को इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो अच्छी नहीं लगी। और ये बात भी करण जौहर को पसंद नहीं आई कि एक्टर मेरे को ये बोल रहा है कि मेरे को तुम्हारी फिल्म में स्क्रिप्ट में बदलाव चाहिए, और ये बात करण जौहर को पता थी कि इतनी जल्दी स्क्रिप्ट चेंज नहीं हो सकती, और मैं इस फिल्म की स्क्रिप्ट को चेंज भी नहीं करवाऊंगा। और जिसको लेकर करण जौहर और कार्तिक आर्यन के बीच एक बार फिर अनबन हुई, और बताया जा रहा है कि इस कारण की वजह से भी कार्तिक को इस फिल्म से बाहर निकालने का फैसला लिया करण जौहर ने। और ये दो वजह मेन बताई जा रही हैं कि एक तो जानवी कपूर के साथ जो अनबन हुई वो, और दूसरा जो स्क्रिप्ट को लेके करण जौहर के साथ अनबन हुई कार्तिक आर्यन की, वो ये दो वजह मेन बताई जा रही हैं उनको बाहर करने की। वो बीच में खबरें आई थी कि करण जौहर की ही एक और फिल्म में नजर आने वाले हैं दोस्ताना 2 के बाद कार्तिक आर्यन, जो कि क्रिकेट जोनर की फिल्म होने वाली है, जिसमें कार्तिक एक क्रिकेटर के किरदार में नजर आएंगे। हालांकि उस फिल्म को लेके कार्तिक आर्यन की तरफ से कोई खबर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन करण जौहर ने कल एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे को आजकल पता चल रहा है कि कार्तिक के साथ मैं एक फिल्म कर रहा हूँ क्रिकेट जोनर की। उसको लेके आगे करण जौहर ने लिखा कि जरूर हम क्रिकेट जोनर की एक फिल्म बना रहे हैं डायरेक्टर शगुन शर्मा के साथ मिलके, हाल और अभी
इस फिल्म का स्क्रिप्ट का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके चलते हम अभी किसी भी एक्टर का नाम रिवील नहीं करेंगे और ना ही अभी तक हमने किसी एक्टर को फाइनल किया है। और ये बात करण जौहर ने उस ट्वीट में साफ कर दी थी कि अभी तक ना तो कार्तिक आर्यन को इस फिल्म के लिए साइन किया गया है ना ही किसी दूसरे एक्टर को साइन किया गया है। तो ये बात बिल्कुल ही फेक निकली कि कार्तिक आर्यन को धर्मा प्रोडक्शन की क्रिकेट जोनर की फिल्म में एक क्रिकेटर का किरदार मिला है। और आज ये खबर आई कि धर्मा प्रोडक्शन ने अपनी फिल्म कार्तिक आर्यन को बाहर निकाल दिया गया है। तो पता नहीं इन लोगों के बीच क्या चल रहा है, धर्मा प्रोडक्शन और कार्तिक आर्यन के बीच इनके बहुत सारी नेगेटिव खबरें आ रही हैं, लड़ाई झगड़े की खबर आ रही है धर्मा प्रोडक्शन और कार्तिक आर्यन के बीच। और अब देखने वाली बात, क्या कार्तिक आर्यन को कोई रिप्लेस करता है इस फिल्म के अंदर, यानी कि दोस्ताना 2 के अंदर या नहीं। और हो सकता है कि ये खबर फेक भी निकले, और अगर रिप्लेस करता है इस फिल्म में कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 के अंदर, तो कौन सा वो एक्टर होगा। और इस फिल्म का थोड़ा बहुत काम ख़त्म भी हो चुका है, तो अब क्या वापस से इस फिल्म का काम रीस्टार्ट किया जाएगा, ये कंटिन्यू ही चलता रहेगा, बीच में एक्टर ही चेंज कर देंगे करण जौहर अपने इस फिल्म के अंदर। तो देखने वाली बात, क्या जाह्नवी कपूर 2 बॉलीवुड एक्टरों के साथ रोमांस करती हुई नज़र आएंगी, या फिर कार्तिक आर्यन ही इस फिल्म में रहने वाले हैं। लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक तो कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 से बाहर का रास्ता ही दिखा दिया गया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।